कराची के इलाके लियारी के ली मार्केट में बिल्डर माफिया कानून की धज्जियां उड़ाते हुए बरसाती नाले पर गैरकानूनी तौर पर अजीज टावर तामीर करने लगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही, जबकि पूरे कराची में नालों के ऊपर गैरकानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन ली मार्केट परिंदा मार्केट के सामने निपियर पुलिस स्टेशन असिस्टेंट कमिश्नर गार्डन के हदूद में बरसाती नाले पर गैरकानूनी तौर पर अजीज टावर तामीर किया जा रहा है, जिसका काम तेजी से चल रहा है, जबकि ये प्रॉपर्टी केएमसी के अंडर है। सरकारी जमीन पर बिल्डर माफिया की जानिब से गैरकानूनी तौर पर करोड़ों रुपए की लागत से इमारत तामीर की जा रही है। लियारी में बिल्डर माफिया के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने वाला नहीं है। लियारी के आवाम ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से मुतालबा किया है कि लियारी में तामीर होने वाली गैरकानूनी इमारत का नोटिस लिया जाए। दूसरी जानिब लियारी अवामी महाज के सेक्रेटरी जनरल खालिक जरदान ने अवामी आवाज टीवी से बातचीत करते हुए कहा कि कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और इंतजामिया की मिलीभगत से लियारी में गैरकानूनी तामीरात समेत छोटे छोटे प्लाटों पर गैरकानूनी बड़ी बड़ी इमारतें तामीर की जा रही हैं, जिसकी वजह से लियारी में पानी, सेवरेज और गैस की शदीद किल्लत पैदा हो गई है और इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है।